हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है यार आप लोगों का? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। तो वेलकम बैक हो गए जी आप लोग हमारे डेली रूटीन के एक न्यू ब्लॉग के अंदर। तो यार अभी जो है ना मैं सुबह आया हूँ, तो ये वाली मुर्गी जो है पीछे बैठी हुई है अंडा देने के लिए, और बाकी और कहीं पर भी अंडा नहीं है। पहले जो है अमूमन इस टाइम ये वाली मुर्गी भी जो है बैठी होती है अंडा देने के लिए, लेकिन आज भी आज जो है ना ये भी नहीं है। और सिल्क पॉलिश का भी एक अंडा पड़ा है, रात को भी एक उठा गए थे और एक अब पड़ा है। मतलब यही है कि जो है दोनों मुर्गियां अंडे दे रही हैं। अगर जो है शाम को एक और अंडा पड़ा हुआ फिर तो इसका 100% यही मतलब है कि दोनों मुर्गियां अंडा दे रही हैं। अगर रात को ना पड़ा हुआ तो इसका यही मतलब रह जाता है कि वही सिर्फ एक ही मुर्गी रह जाती है। और ये जो है अभी इसने अंडा नहीं दिया, बाकी हमने इनको खोल दिया, अभी चल के पानी भरते हैं और उसके बाद जो है ना देखते हैं। तो यार अभी जो है ना सारों को पानी भी डाल दिया है, बस इनको जो है फीड डालनी रह गई है, ऊपर रखी हुई है, बस इनको जो है ना अभी नीचे रखते हैं और इनको भी जी फीड डल गई, ये भी नीचे रख देते हैं, तो दो रख देते हैं। बाकी ये जब हम उनको खोलेंगे ना तब ये जो है नीचे जो है इसने भी अंडा दे दिया है, वो सामने पड़ा है बर्तन के पीछे, इसका भी उठाते हैं और पॉलिश का भी उठाते हैं और देखते हैं अगर असील ने दिया तो उसका भी उठा लेते हैं अभी। तो यार ये जो है ना पॉलिश का अंडा है और इस पर ना खून लगा हुआ है, इसका जो है सबसे जो बड़ा या सही मतलब जो है ना यही होता है, जब मुर्गियाँ जो है ना शुरू के अंडे देती है ना तब उन पर खून आता है, मतलब जो है दूसरी मुर्गी भी पहली बार अंडे दे रही है तो इस वजह से इसके ऊपर खून लगा हुआ है। अरे अभी हम क्या करते हैं इनको उठा के ना बाहर रख देते हैं, और ये वाला जो सबसे छोटा चिकन ये भी मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, इनके पास फीड भी थोड़ी है तो इनको ना बाहर रख के फिर फीड भी डालते हैं। चलो भाई बंद, अब इनको बाहर लेके चलते हैं। तो यार अभी जो है ना इसको नीचे रखते हैं, उनको भी मैंने फीड डाल दी, इनको भी बंद कर दिए, अभी इनको जो है सारों को खोलते हैं, ये रख के ना अब इनको खोल देते हैं। अंडे इधर एक पड़ा है क्योंकि रात को जो है कल आपने शाम का अगर ब्लॉग देखा होगा तो एक वहाँ पे एक ही अंडा था और यहाँ पे भी एक पड़ा है। ये वाला जो है हम घर ले जाएंगे, ये वाला जो है उठा के हम रख देंगे, और इधर असील का भी अंडा देख लेते हैं। असील का अंडा नहीं पड़ा, कोई नहीं, ये तो जगह पे देती है, इसका ज़्यादा मसला नहीं है। अभी हम ये दो अंडे उठा के रख लेते हैं। तो यार अभी जो है ना यहाँ का सारा काम हो गया, अभी ना हम लोग चलते हैं घर और शाम को इंशाल्लाह आएंगे, और अगर दोपहर को टाइम मिला तो ना यहाँ पे आके छिड़काव भी कर जाएंगे पानी का, क्योंकि पानी जो है बहुत ज़्यादा होती है तो उससे जो है ना थोड़ा बहुत इनके लिए बेहतर हो जाएगा। अभी चलते हैं घर और इंशाल्लाह मिलेंगे शाम को या हो सकता है दोपहर को। और यार कुछ दिन पहले ना इधर जो ये दरख्त लगे हुए हैं इनके ऊपर ना पत्ते नहीं थे, अब जो है पत्ते आना शुरू हो गए तो ये भी एक अच्छी बात है, और कुछ दिन में जो है ना ये पूरा ही हो जाएगा। अभी दो दिन पहले देख के गए हैं तो ना इसके ऊपर कुछ ऐसे थोड़ी थोड़ी तनी निकल रही थी, और अब आप देखें पूरे पत्ते निकले हैं और शहतूत भी लग गए हैं इसके ऊपर ना, ये देखें ये शहतूत लगा हुआ है, ये भी ये सारे शहतूत और पत्ते लगे हुए हैं। तो यार अभी जो है ना शाम का टाइम हो गया और हम लोग ना फार्म के ऊपर आ गए, और यार मैंने ना सारों को फीड भी डाल दिया, ये फीड डाल के जो है ना मैं यहाँ से गेहूँ मुर्गे को निकालना, और अंदर दो तीन चीज़ें होते उनको निकालने गेहूँ, तो मुझे ना ये अंडा मिला कहाँ से, ये जो बॉक्स है ना इसके अंदर से मुझे ये वाला अंडा मिला। अब ये पता नहीं ये बैंटम का है या तो फिर एक दफ़ा जो वाइट वाली मुर्गी थी ना वो इस केज में बंद की थी, सुबह को यहाँ आ गई थी, तो शायद हो सकता है ये उसका भी हो, तो अब हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो भी है हमें एक और अंडा मिलेगा। तो यार अभी ना हम अंडे उठा लेते हैं, जिन जिन के जो है अंडे पड़े हैं ना, असील तो डेली का देती है, डेला कह रहा था डेली का अंडा देती है असील, तो बाकी उसके भी पड़ा है, बफ के भी पड़े, और सुबह को मैं जो है गलती से ये वाला केज बंद कर गया था तो इसके अंदर कोई नहीं, लेकिन बंद कर गया था तो सारी मुर्गियों ने ना इधर ही अंडा दिए, सारी ने क्या एक ही ज़्यादा अंडा होगा आज, ये हो गया मिस्रियों का और ये तो हो गए बाफ के। और यार हाँ मज़े की बात, पॉलिश का भी अभी अंडा पड़ा, मतलब कि पॉलिश जो है हमारी डेली रूटीन पे दोनों मुर्गियाँ अंडों पर आ गई हैं। इनको इधर रख लेते हैं, इसको इधर, ये वाला मिस्री का है, हाँ ऐसे ही है, ये दो नहीं यार ये वाला मेरे ख्याल से बफ का, बाकी ये दो मिस्रियों के, ये सील का है, निशानी लगा रहा था ना, तो यार अक्सर अंदर जाते हैं तो पता नहीं लगता कौन सा अंडा किसका है। अभी इनका भी उठा लेते हैं, ये जी इनका आ गया वाइट वाली होगा,
चलो जी अभी यहाँ से ना ये वाला मेरे ख्याल से है मिस्रियों का ये वाला, तो इसको हम यहीं रख देते हैं फिर। नहीं मैं भूल गया हूँ सारा कुछ, चलो कोई नहीं, हमें जो याद है वो तो याद रखें। ये वाला हो गया वाइट वाले का, ये हो गया बफ का, और ये हो गया असील का। बाकी ये तो हम घर ले जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है। यार अभी जो है ना मैंने सारे अंडे यहाँ रख दिए, और आप देख सकते हैं कितने सारे अंडे हो गए। कोई ना कोई इनका जो गाड़ लगाते हैं, या तो है जहाँ से हम फीड लेके आते हैं वो अंकल भी ये करते हैं कि जो है अंडे लेके रख देते हैं। पहले भी एक दो बार हमने उनसे निकलवाए हैं चेक, तो या तो उनको देंगे या तो फिर एक और इंक्यूबेटर का इंतजाम करते हैं जल्द से जल्द, ताकि जो है हमारे अंडे ख़राब ना हो। और यार अभी हम क्या करते हैं, इन वाले चिक्स को भी फीड डाल के इनको ना अंदर रख देते हैं। इधर एक छोटा भी है, उसका मसला बाकी तो और किसी का मसला नहीं है, बल्कि उसका भी इतना ज़्यादा मसला नहीं है क्योंकि जो है ना गर्मियाँ वो तकरीबन चली गई हैं, तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है सर्दियों का कि भाई इसको सर्दी लग जाएगी या कुछ हो। तो यार अभी जो है ना हमने सारों का पानी निकाल दिया, आज यार थोड़ा काम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा काम जाना है यार, लाइफ है, छोटे मोटे काम पड़े जाते हैं। तो अभी जो है सारों को बंद कर दिया है, ये अब मुर्गियों को बंद करेंगे, उसके बाद जो है इन चूज़ों को बंद करेंगे, उसके बाद उन वाले चूज़ों को बंद करेंगे, और आज जो है ना इन चूज़ों का कैसे भी कपड़ा कम्प्लीटली हटा देंगे, क्योंकि यार अब जो है सर्दियाँ तकरीबन चली गई हैं, रात को इतनी ज़्यादा नहीं होती कि भाई इनके आगे कपड़ा देने की ज़रूरत हो, तो आज इनके आगे भी कपड़ा नहीं। यार अभी जो है ना ये भी तकरीबन सारे चले गए हैं, बस जो है वो एक रह गए, वो भी अभी थोड़ी देर में चली जाएगी, मैं यहाँ से हट जाता हूँ। तो यार यहाँ पर करते हैं अपने ब्लॉग का, उम्मीद करता हूँ आपको जो है आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के दबा दें, ताकि जो है नेक्स्ट टाइम वाली वीडियो तक इसी तरह पहुँचती रहें। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलें एक न्यू ब्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।